ये बात है अगस्त 2017 की, जब हम चार लड़कों ने विद फैमिली कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज घूमने का प्लान बनाया। के बाद हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड है वो पहुंचने के लिए। देखिए थोड़ा लेट हो गए लेकिन टाइम स्पेंड वहाँ करना है, हमें हाल में करना है इंशाल्लाह। बाकी ये हमारे ड्राइवर हैं, आप लोग क्या कहेंगे? और पीछे आ रहे हो, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। गड्ढे तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, झटके तो नहीं लग रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। नबील भाई ने बोला कैसे झटके लगा, उठ जाओ। ऐसा लग रहा है कबड्डी खेलते हैं, हम इकोनॉमी वाले, आप लोग बिजनेस क्लास वाले। ये है रत्ती गली बेस कैंप, जहाँ 3 घंटे का कमर तोड़ सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था, अब हमने डिसाइड करना था कि मज़ीद ऊपर हमें घोड़ों के ऊपर जाना है या पैदल ही सफ़र करना है। तो कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम घोड़ों के ऊपर जाना पसंद करेंगे और कुछ लोगों ने पैदल का। तो जिन्होंने पैदल का डिसाइड किया जाने का, उन लोगों ने भी आधे रास्ते में अपनी हिम्मत हार दी और मजबूरन उनको घोड़ों का सहारा लेना पड़ा। तो अगर आपको बग़ैर थके एंजॉय करना है तो मेरा मशवरा है कि घोड़ों का ही इंतखाब करें। झील पे पहुंच गए फाइनली, सामने झील नजर आ रही है। बहुत मुश्किल रास्ता था, इतना मुश्किल रास्ता था कि बगैर घोड़ों के हम कभी नहीं आ सकते थे, ऊपर नहीं आ सकते थे। खवातीन के साथ गया 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 गया, बहुत ज़बरदस्त किया। चलो भाई नहीं, क्या कहेंगे आप, फर्स्ट टाइम घोड़े पे बैठी हैं? अभी कुछ नहीं कहना चाहते, पोजीशन में नहीं हूँ, तो चक्कर आ रहे हैं। तो इधर बैठ जाएं, तो क्या पत्थर पे बैठ।
जायदाद ले लो मेरी। ओए ओए। हाँ यार मैं यही कह रहा था की फिक्र हो रही थी सबसे ज्यादा मुझे है ना। अबे मूवी बन रही है आपकी सोच है। इतनी खूबसूरत झील है, इतनी खूबसूरत। सैफुल मलूक कुछ नहीं है, कुछ पूछ बेटा पूछ पूछ। सैफुल मलूक क्या है इसके आगे? बच्चों का भी प्रोग्राम रहे ना, ये क्या कहना चाहते पीछे? ये वाओ आया मजा आया। मुन्ना तो करने का बारिश हो रही है और बहुत मुश्किल हो रही है बारिश में, लेकिन ये यूट्यूब पे देख रहे थे पिछले 8 महीनों से, आज रियल में देख रहे बहुत प्यारा लग रहा है। 3 घंटे का खतरनाक रास्ता जीप में करके आए, उसके बाद घोड़े पे खतरनाक था रास्ता क्या, हमने आधे रास्ते में घोड़े का ज्यादा खतरनाक था, घोड़े का ज्यादा खतरनाक। नबील अगले 20 साल का ही नहीं जाएगा। और सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट हादसा हुआ है ना मेरे साथ हुआ है, मैं बस बच गया। बैठते ना वो लूज हो गया था। आप लोग क्या कहेंगी? और ये रहा नहीं, बहुत मजा आ रहा है। ये हो गया, उसने यूं पकड़ लिया घोड़े का, पहला लड़का स्लिप हो गया था घोड़े से, पकड़ता ना डायरेक्ट। वो दूसरा लड़का भी घोड़े से स्लिप हो गया था। हां वो ना इचल फाया अंदर है, इचल का है। नहीं नहीं ये दोनों यही है भाई, अभी तो रो रही नहीं। ये री फाया इचल का है, इचल और ये री इचल। इचल बैठो बैठो यार बैठो यार जबरदस्त। अच्छा सैफुल मलूक में ये कैंप लगाया हुआ है, सैफुल मलूक में दूर तक खुला हुआ है, पहाड़ी पहाड़ है ना, ये जैसे घिरा हुआ है ना वो दूर तक है, उसकी भी झील ऐसी है। इधर आओ, ये लुक नहीं है बाबू, ये लुक नहीं मिलेगा सैफुल मलूक में। इससे बेहतर जगह अभी तक मैंने नहीं देखी, इससे अच्छी जगह नहीं देखी मैंने। रत्ती गली लेट पर हम मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, बूंदाबांदी हो रही है। पानी बढ़ रहा है इससे, मजा आ रहा है। वाओ वाओ नहीं क्यों, सर्दी लग रही है।
वापिस जा रहा है रत्ती गली से, दिल में जा रहा है पूरे दिन गुजार दे यहाँ पे, लेकिन नहीं गुजार सकते। तो देखो क्रिकेट खेल रहे लोग, यार लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ऊपर, वाओ। Yeah.